अल्लाह जी वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आलमा मेटर उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे अच्छा जी हमने जी आरी वोकैबलरी एडवास वर्ड की एक सीरीज स्टार्ट की हुई थी जिसमें आज टेन नाइन है इससे पहले एट डेज uh, की जो वीडियोस है मैं अपलोड कर चुकी हूँ उनके और के साथ अगर आप लोगों में से मेरे चैनल पे कोई नया है तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकता है साथ ही साथ आपको मेरे चैनल पे जीके के uh, एम सीरीज uh, के भी लेक्चर मिलेंगे और सी ऑप्शनल के एम भी मिल जाएंगे तो आप वो प्ले में देख सकते हैं चलिए जी लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज डे नाइन है और आज के दिन भी हम

ठीक है। एक्सप्रिएट का वर्ड जो है इसमें से से हमने एक रूट वर्ड देखा का जिसका यानी करता है एक्सपेंड दोनों में ये रूट वर्ड आता है टू एक्सप्लेन इन अ ग्रेट डिटेल तो का सिनोनिम होगा स्पीक टॉक और इसका एंटर होगा फॉर शॉर्ट एन एवरी यानी एक बात को डिटेल में दोहराना बात करना ठीक है और होगा रिलेट कर सकते हैं एक्स मीन तो एक्स हो गया पी एड जो है इसको आप रिलेट करते हैं वर्ड एक्सपायरेट से पायरेट जो समुद्री लुटेरे होते हैं उनको पायरेट्स कहते हैं इसमें मूवी भी है अच्छा एक्सपायरेट यानी जो अब तक जो है लुटेरा बना रहा ठीक है वो हर जो कह लो के बुरे काम करता था अब वो अपनी कह लो के गलतियों की तलाफी करना चाहता है यानी एक्सपायरेट जो है ऑलवेज ट्राइज टू एक्सपीएड हिज गिल ठीक है तो आपने एक्सपी जो वर्ड है इसका निमोनिक बना लेना है एक्सपायरेट से जो कि अपनी गलतियों की तलाफी, तलाफी करना चाहता है ठीक है तो एक्सपायट का मीनिंग uh, होगा सिननिम होगा पादन कंपनसेट करना रिडीम एटोन, ऑन डेक्टिफाई रिपे और इसका एंटरनीम होगा इंडाइटमेंट एक्यूजिशन, कॉन्डेमनेशन इम्पीचमेंट नेक्स्ट थर्ड वर्ड है एक्सपोजिशन एक्सपोजिशन का वर्ड जो है इसमें आप रूट वर्ड देखें तो बन रहा है एक्सपोज का तो एक्सपोज का मतलब क्या होता है डिस्प्ले करना ठीक कि, है किसी चीज को दिखाना डिस्प्ले करना या उसकी प्रेजेंटेशन करना तो एक्सपोजिशन जो वर्ड है इसमें एक्सपो हमने इसका रूटवर्ड ले लिया और इसका निमोनिक बना लिया पब्लिकली एंड गिव एन एक्सप्लेनेशन Uh, है एक्सिबिट डिस्प्ले फिर एक्सपो प्रेजेंटेशन एंड होगा सप्रेशन कंसीलमेंट डिप्रेशन फोर्थ वर्ड है वैसे ही मीनिंग जो है वो प्रोटेस्ट करना है एक्सपर्ट्यूलेट का वर्ड ठीक है इसका आपने मीनिंग एज इट इज डायरेक्ट याद कर लेना है प्रोटेस्ट करना तो इसका सीनेम होगा ऑब्जेक्ट टेक एक्सेप्शन डेमोर एंड प्रोटेस्ट एंटोनिम होगा अप्रूव डिफेंड सेंशन और कंप्लाई फिफ्थ वर्ड है जी एक्सपैंड एक्सपैंड जो वर्ड है इसको भी आप रिले, इसका फर्स्ट रूट वर्ड वर्ड देख लेंगे सॉरी एक्सपाउंड एक्सपाउंड है है ठीक तो इसमें रूट वर्ड देखेंगे एक्स का तो जो कि हमने पीछे ऊपर देखा एक्सप्लेनेशन से आप रिलेट कर लें उसमें भी एक्स का वर्ड रूट वर्ड यूज हुआ हुआ है इट साउंड लाइक एक्सप्लेन यानी एक्सप्रेस करना वॉइस प्रोक्लेम डिस्क्राइब और एंटोनिम होगा सप्रेस रिस्ट्रिक्ट रिस्ट्रेन स्टाइफल नेक्स्ट वर्ड है एक्सपरगेट एक्सपरगेट जो वर्ड है इसके आप रूट uh, वर्ड्स बना लेंगे ठीक है इनको सेपरेट सेपरेट अगर करें तो एक्सपेल एक्स से एक्सपेल यू आर से योर जी ए टी गेट लास्ट वाला ठीक है एक्सपेल योर गेट यानी हमें निमोनिक बनाना है कोई भी ऐसा वर्ड या सेंटेंस बनाना है जिससे हमें uh, इसका मीनिंग भी जो है वो क्लियर हो जाए और वो हमें याद भी रहे एक्सपेल योर गेट यानी एक्सपेल द वेस्ट फ्रॉम योर गेट टू मेक योर होम क्लीन ठीक है एक्चुअल मीनिंग जो इस पर गेट का है वो क्या करना होता है क्लीन करना होता है प्योरीफाई करना होता है ठीक है तो हम इसको रिलेट करेंगे निमोनिक बनाएंगे गेट यानी जो भी, कोई भी एक्स्ट्रा वेस्ट होता है हम अपने गेट से बाहर फेंक देते हैं यानी शॉर्ट रिव्यू क्लीन प्योरीफाई बोल राइस और एंटोनिम होगा अप्रूव अथोराइज सेंक्शन नेक्स्ट वर्ड है जी एक्सेंड एक्सेंड जो वर्ड है इसको आप आ, कह सकते हैं एक्सट्रैक्ट से ही रिलेट कर सकते हैं ठीक है एक्सिन जो वर्ड है इसमें जो एक्स वर्ड है इसको एक्सट्रैक्ट जो होता है एक्सट्रैक्ट करना यानी सेपरेट करना एक चीज से डिलीट करना ठीक है एक्सिन यानी डिलीट ब्लैक आउट ब्लैक लिस्ट और एडमिट ठीक है एक्सटेंड अगला वर्ड है एक्सटेंड एक्सटेंड जो वर्ड है ये ऑपोजिट है एक्सटेंड का ठीक है एक्सटेंड मतलब एग्जिस्ट uh, करना किसी चीज का या एक्सटेंड वर्ड को आप रिलेट रे भी कर सकते हैं इसका रूट भी बना सकते हैं एग्जिस्ट एग्जिस्ट वर्ड से ठीक है एग्जिस्ट

ऑबलीट करना इनहलेट करना एक्सपंज और नेक्स्ट वर्ड है बिल्ड सेव यानी इसका एंटोनिम होगा बिल्ड सेव क्रिएट और फॉर्म फिर वर्ड आएगा जी होगा बिल्ट में आप दो रूट वर्ड देखेंगे एक्स मीन एक्स्ट्रा टॉल मीन टॉल ठीक है इसको हम निमोनिक हमने बनाना है मिलता जुलता यानी जो एक्स्ट्रा टॉल होते हैं उनको हमेशा uh, इज्जत की निकाश से देखा जाता है या उनकी तारीफ की जाती है उनकी हाइट की वजह से तो एक्सटॉल यानी प्रेज प्रेज लाउड सॉरी uh, मैं दो बार लिख दिया time, और blame, censor, अच्छा, यहां मैं आपको बता दूं कि हमने एक्स जो रूट वर्ड है, है तो एक्स का मतलब ही जो है वो माइनस में आता है ठीक है uh, तो आपने इसको इस तरह से भी याद कर uh, याद रखना है कि जो एक्स से रिलेटेड वर्ड बनेंगे उनका कुछ ना कुछ इस तरह से मीनिंग आएगा एक्सपायरी का या वैसे माइनस में आता है ठीक है अच्छा जी नेक्स्ट वर्ड हमारा आएगा फिसाइल फिसाइल जो वर्ड है इसका आप देख सकते हैं अगर रूट वर्ड बनाए तो फिसाइल में अगर आप देखें तो फेस जो है मतलब रूट वर्ड बना सकते हैं खुद से एफ ए सी फेस तो वो आ, लोग जो हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि फेस पे फ्लुएंटली जो है बोलते हैं ठीक है कुछ भी कह देते हैं तो फिसाइल को आप इस तरह से कर लेना है फ्लुएंट से ठीक है फ्लुएंट एलोकियंट सुपरफिशियल शेलो वन कर्सरी हेस्टी स्केचरी और एंटोनी मोगा प्रोफन एक्सटेंसिव पेनिट्रेटिंग डेफिनेटिव और ब्रॉड नेक्स्ट वर्ड है जी फालो फालो जो वर्ड है तो अब इसमें आप रूट वर्ड देखें तो एक है फॉल और एक है लो यानी फॉल प्लस लो ये ही इसका एंटनिम होगा यानी जब भी आपके पास किसी चीज की कमी होती है फॉल हो जाता है लो हो जाती है किसी भी चीज की तो आप जो है वो, वो क्या कहते हैं उस चीज को उस काम को

Fetifex होता है उसको हम जो है वो, वो मतलब क्या कहते हैं कि वो है 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 यानी इडियट जो कि अपना ख्याल नहीं करता खुद के फिगर का ठीक है तो इसको हम इस तरह से रिलेट करेंगे यानी स्टूपिड डम थिंग इडियटिक इग्नोरेंट और एंटोनी होगा ब्रिलियंट क्लावर एप्थ क्विक इनजेनिस इंजेनियस uh, ठीक है नेक्स्ट वर्ड है फेकलेस जो है ये किस तरह साउंड करता है रेकलेस यानी इन एफिशियंट अनसक्सेसफुल इन अफेक्चुअल पॉइंटलेस काउंटर प्रोडक्टिव एंटनी होगा इफेक्टिव एफिशंट एफेक्चुअल नेक्स्ट वर्ड है जी हमारा फेलिस फेलिस्टिटियस यानी वर्ड जो है इसको हम इसमें अगर, अगर वर्ड देखें, तो फेलिक्स है।, है, है या यहाँ पे क्या आएगा लकी होना है याप्पी होना है ठीक है? तो है ये हमेशा उन लोगों को नाम दिया जाता है जो कि लक्की होते हैं या खुश होते हैं अपनी जिंदगी में या फेमस होते हैं यानी इसका मीनिंग होगा प्लेजेंट सेफाइंग डिलइटफुलजैनियल डोलसिट

aromatic perfumed fragrant ambrosial savory देन है जी फिलीग्री फिलीग्री जो वर्ड है ये साउंड किस तरह से करा है फर्स्ट अगर रूट पर देखें फिलीग्री तो ये फ्रिल की तरह साउंड करता है फ्रिल मतलब लेस वगैरह जो होती है या मोस्टली जो लेडीज के कपड़े होते हैं उनपे फ्रिल लगाई जाती है एक्स्ट्रा कुछ लेसेस वगैरह लगाई जाती है उसको ज्यादा डेकोरेट करने के लिए उसका उसको ज्यादा उसकी खूबसूरती को एहैंस करने के लिए तो फिलिग्री को वर्ड जो वर्ड है ये किस तरह साउंड करता है फ्रिली से यानी फ्रिल से तो इसका मायने भी मतलब सजाना होता है यानी ऑर्मेंटेशन होना एम्बेलिशमेंट होना फ्री सॉरी वर्ड है इसको हम uh, किस तरह से देखेंगे एफ एल ओ फ्लोर जो वर्ड है ये फ्लावर में आता है उसका रूट वर्ड हो गया रिड मेनी रेड ठीक है फ्लोर रिड यानी रेड फ्लावर अ फ्लावर दैट इज इन रेड इज फ्लोरिड यानी एक्स्ट्रा जो कह लो के अम्म uh, कह लो के प्रोमिनेंट होता है ठीक है uh, या uh, आंखों को अच्छा लगता है यानी ऑर्नेट और, uh, बैरोक बेरोक गिल्डेड लेसी रुको, और प्लेन ऑस्टेरी नेकेड रुको फिर अगला वर्ड हो जा होगा जी फॉर्मेंट फॉर्मेट जो वर्ड है इसको आप रिलेट कर सकते हैं या ये किस तरह साउंड करेगा मूवमेंट से ठीक है अगर एफ हटा दें एम लगाए तो ऑलमोस्ट मूवमेंट के स्पेल बनते हैं तो मूवमेंट यानी ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो के मूव करते हैं यानी उनको थोड़ा सा भी मूव किया जाए तो वो फर्दर uh, रोटेट करना शुरू कर देते हैं अगर हम इसका निमोनिक देखें यानी इन डायनेमिक मूवमेंट सॉरी इन काइनेटिक्स द मूवमेंट इन साइड द व्हील टू रोटेट यानी मूवमेंट जो है वो uh, एक व्हील को रोटेट करने में हेल्प करती है यानी उस अगर एक व्हील को हिलाया जाए तो वो फर्दर रोटेट करना शुरू कर देता है यानी फॉर्मेट जो वर्ड होगा इसका मीनिंग होगा प्रोवोक करना ठीक है यानी इंसाइट करना प्रोमोट करना प्रोवोक करना रेज इंस्टिगेट इंसाइट ट्रिगर अबेट स्टिमुलेट एंड रिस्ट्रेन इनहिबिट रेगुलेट डिस्करेज कब टेम लास्ट वर्ड है जी हमारा फोर्ड फोर्ड जो कार है उससे आप रिलेट कर सकते हैं फोर्ड कार यानी जिनके पास फोर्ड कार होगी वो इजिली जो है कोई भी रुकावट जो होती है उसको क्रॉस कर जाते हैं कोई भी कह लो कि रास्ता होता है उस पर वो आसानी से आ, उसको तय कर लेते हैं ठीक है तो यू क्रॉस द फोर्ड इन योर फोर्ड ठीक है बैंक शॉल शैलो टोहिड सैंड बैंक और इसका एंटोनिम होगा तो आज के लिए इतना था इतना ही था ये ट्वेंटी और आज डेट नाइन्थ था जी आर वोबरी एडवांस वर्ड का होप सो आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी और इससे पहले जो आठ डेज की वीडियोस हैं वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ यानी आपको प्ले में मिल जाएंगी तो मैं याद रखेगा अल्लाह हाफिज